वेलकम टू माय चैनल। आज के मैं अपने वीडियो में ईसीजीसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बेसिकली ईसीजीसी के बारे में थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं। फुल फॉर्म ईसीजीसी का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होता है। ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कंट्री के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, कंट्री के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये टॉपिक हर तरीके के बैंकिंग फाइनेंशियल एग्जामिनेशन में जनरली इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। प्लस दिस टॉपिक इज़ आल्सो यूजफुल फॉर ऑल दोज पीपल जो कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स, कोई भी ऐसे ट्रेड में जुड़े हुए हैं जो कि ट्रेड एक कंट्री में प्रोड्यूस होकर दूसरे कंट्री में सेल आउट हो रहा है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग ऑन ईसीजीसी, वी मस्ट नो व्हाट आर एक्सपोर्टर्स, व्हाई एक्सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट एंड हाउ गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर के बाद हम एक्चुअली पहुंच जाएंगे कि ईसीजीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट नो हु आर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स आर द पीपल, द कंपनी और द बिजनेस हु प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विसेज इन वन कंट्री एंड दे सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अनदर कंट्री। वो लोग जो कि किसी एक कंट्री में सामान को बनाते हैं या सर्विसेज को जनरेट करते हैं और उसको किसी दूसरी कंट्री में जा कर के बेचते हैं, उनका सेल आउट करते हैं, तो उसे ही हम एक्सपोर्टर करते हैं। मतलब कोई भी लेन देन वो लोग जो कि अपने नेशन के बाहर के बाउंड्रीज में कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज एक्सपोर्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एक्सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली एक्सपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, मान लीजिए हमने इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को प्रोड्यूस किया, उसको हमने इंडिया में बेचा, तो उससे क्या होगा? जो इंडिया में मनी फ्लो कर रही है, जो कंट्री की मनी फ्लो कर रही है, उसी मनी का यूटिलाइजेशन करके कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करेगा। बट अगर हमने उसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किसी दूसरी कंट्री में भेजा, तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री का जो फंड है वो तो हमारे यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, एज वेल एज हम फॉरेन कंट्री के करेंसी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब हम उस एक्सपोर्ट से फॉरेन कंट्री की करेंसी को कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास दूसरी कंट्री की करेंसी आती है, तो हमारा कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करता है, प्लस कंपनी ग्रो करती है, डेवलप करती है। तो इसीलिए जनरली गवर्नमेंट प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को। हर एक कंट्री अपने अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, मतलब कुछ ऐसे लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ लाती है, कुछ ऐसे सपोर्टिव पॉइंट्स लाती है फॉर एक्सपोर्टर्स, जिससे कि एक्सपोर्टर को सहायता मिले, सपोर्ट मिले और उनको एक भरोसा मिले कि अगर हमें कुछ लॉस हुआ, कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो डेफिनेटली हमारे पीछे हमारा गवर्नमेंट है जो हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा या हमको किस लेवल तक सपोर्ट करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जनरली एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, ताकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने में, किसी दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट करने में एक सपोर्ट के थ्रू अच्छा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते रहें और कंटिन्यूसली वो प्रोड्यूस करके दूसरे कंट्रीज के फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करते रहें। हाउ गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट चूँकि चाहती तो है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हु इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्टर्स। वो सारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को गवर्नमेंट ईसीजीसी के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बैंक को भी गारंटी देती है, जिसके थ्रू एक्सपोर्टर्स भी रिस्क फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज बैंक भी रिस्क फ्री रहते हैं, बैंक भी एक लेवल तक रिस्क से दूर रहते हैं कि अगर कुछ भी लॉस हुआ एक्सपोर्टर को तो हमारा फंड हमें मिल जाएगा। नाउ वी केम ऑन ईसीजीसी। सबसे पहले हम ईसीजीसी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहले इसको इसी नाम से बुलाते थे, अभी के टाइम में ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से इसको बुलाते हैं, ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से इसको हम कॉल करते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1957 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ईसीजीसी का इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ था।
इसका उस समय इसलिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये रियलाइज हुआ कि अगर हम अपने कंट्री के प्रोडक्शन को किसी दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करेंगे तो हमको फॉरेन कंट्रीज की करेंसी अर्न होगी, उससे हम अपने कंट्री का अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उससे अपने कंट्री के ग्रोथ में सपोर्ट मिल सकता है। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने ये एक्सपोर्ट के नीड को रियलाइज करते हुए ECGC को इस्टेब्लिश किया, जिससे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिल सके, एक सहारा मिल सके और वो बहुत आसानी से एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो सके। द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। मतलब ये जो ECGC कॉरपोरेशन है ये टोटली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में। इट प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसका पूरा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में होता है और वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब इट प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एक्सपोर्टर्स, जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं जो कि अपने कंट्री में प्रोड्यूस किए हुए सामान को अगर दूसरे कंट्री में बेचना चाहते हैं या बेचते हैं तो उनको एक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, करती है, जिसके थ्रू अगर उसे कोई भी लॉस हो, कोई भी मिसहैपनिंग हो उसके पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेस में तो उसको उसका पूरा रिस्क कवर मिल जाए। हम किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? जस्ट हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, हम रियल लाइफ में चूँकि इंश्योरेंस सिर्फ इसी लेकर आते हैं ताकि हमारा लाइफ में अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जो अनसर्टेन हो, जो हम प्रेडिक्ट करके ना रखे हो, तो उसमें जो भी लॉस हुआ उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास एक लमसम अमाउंट अवेलेबल हो। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी विद द हेल्प ऑफ ECGC इन एक्सपोर्टर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके थ्रू ये एक्सपोर्टर्स ईजिली एक्सपोर्ट करते हैं और उनको अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, इनके एक्सपोर्ट प्रोसेस के कंप्लीट होने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में ये इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी फंड मिलेगा वो इनको सपोर्ट करती है। एज वेल एज इट प्रोवाइड गारंटी फॉर बैंक्स, मतलब ये बैंक्स को भी गारंटी प्रोवाइड करती है क्योंकि एक्सपोर्टर अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो नेचुरली वो बल्क अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनका, तो उतना अमाउंट कोई भी खुद के पास से नहीं लगाता या नहीं लगा सकता, तो इसलिए डेफिनेटली ये एक्सपोर्टर्स जो है वो लोन लेके रखते हैं बैंक से, क्योंकि बैंक का बहुत मेजर रिस्क होता है, एक्सपोर्टर्स को एक बहुत हैवी अमाउंट बैंक दे के रखी होती है, इसलिए बैंक को भी एक गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इस एक्सपोर्टर को किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो किस तरीके से बैंक का पैसा बैंक को वापस मिलेगा। इसका एक रेशियो लमसम डिसाइड होता है, मतलब 90% में भी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, 10% एक्सपोर्टर बेयर करेगा, इस तरीके से एक लमसम इंश्योरेंस के परसेंटेज डिसाइड होते हैं कि किस तरह कितना अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है एक्सपोर्ट प्रोसेस में तो कितना मनी या कितना पैसा जो बैंक का होगा वो इंश्योरेंस पॉलिसी देगी और कितना पैसा एक्सपोर्टर देगा, इस तरीके से एक छोटा सा रेशियो की तरफ से चीज़ें डिसाइड होती हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज व्हाट आर द रोल और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ECGC। ECGC क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, किस तरीके से क्या काम करती है जिससे कि एक्सपोर्टर्स फुल प्रूफ हो जाते हैं। बेसिकली ECGC प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ECGC बहुत तरीके के अलग अलग इंश्योरेंस रिस्क कवर प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, मतलब डिपेंड अपॉन एक्सपोर्टर्स वो वेरियस रिस्क के या वेरियस इंश्योरेंस को ऑप्ट कर सकता है जो उसके लिए रिक्वायर्ड हो, और उसके बाद वो उनमें से जो भी उसको अपने लिए पॉसिबल, अपने लिए फेवरेबल हो, उन सारे रिस्क को और उन सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को ऑप्ट कर सकता है। मतलब ये इस तरीके का क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है जिससे कि एक्सपोर्टर फुल्ली अपने आप को प्रोटेक्ट करके उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकता है। सेकंड रोल या सेकंड फंक्शन होता है ECGC का ऑफर गारंटी टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एनेबल एक्सपोर्टर्स ऑब्टेन बेटर फैसिलिटी फ्रॉम देम। मतलब चूँकि बैंक से अगर कोई भी एक्सपोर्टर लोन लेने आता है तो डेफिनेटली बैंक अपना रिस्क और अपने रिस्क को
प्रेडिक्ट करने के बाद फिर उसको लोन देने के पहले डेफिनेटली बैंक कुछ तो गारंटी डिमांड करती है फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सपोर्टर। अब चूंकि ECGC एक्सपोर्टर के बिहाफ में खड़ा होता है और ECGC एक्सपोर्टर के बिहाफ में बैंक को एक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक अच्छी गारंटी प्रेजेंट करता है जिसके थ्रू बैंक ईजिली एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और एक्सपोर्टर्स विलिंगली और बहुत कन्वीनियंटली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बैंक भी सिक्योर होते हैं कि अगर कुछ भी लॉस हुआ एक्सपोर्टर को तो बैंक विल नॉट लूज देयर फंड, क्योंकि बैंक को वो फंड जो भी लॉस होगा वो कहीं ना कहीं ECGC से रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज। ECGC ओवरसीज मतलब आउट ऑफ कंट्री इन्वेस्टमेंट को भी इंश्योर करती है। जितने भी इंडियन कंपनीज हैं जो आउट ऑफ कंट्री कोई भी इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट के भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन, मतलब कोई भी अगर इंडियन कंपनी, इंडियन बिजनेसमैन किसी दूसरी कंट्री में जाकर के कोई जॉइंट बिजनेस में या कोई काम स्टार्ट करते हैं या किसी को कोई लोन देते हैं, तो ECGC उनके इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब आपने कंट्री के फंड को दूसरे कंट्री में लगा के फिर वहाँ से प्रॉफिट गेन करने में भी ECGC सपोर्ट करती है, ताकि हमारी कंट्री में कंटिन्यूअस, चूँकि हम अगर बिजनेस सेटअप करेंगे तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में कंटिन्यूअस फ्लो इनफ्लो ऑफ फंड होगा फॉरेन कंट्री की करेंसीज़ का, तो उसके लिए भी ECGC सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज, जिसके थ्रू ईजिली और आराम से इंडियन की जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या इंडियन कंपनीज जो कि दूसरे कंट्री में जा करके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, लोन देना चाह रही हैं, जॉइंट वेंचर के थ्रू कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ECGC सपोर्ट करती है। ECGC प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन ओवरसीज बायर्स। ये रिसेंटली वर्क स्टार्ट हुआ है ECGC का, ये गवर्नमेंट को जितने भी ओवरसीज बायर्स अवेलेबल हैं उसका भी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। These all are some important role of ECGC. Now, what is the need of export credit insurance? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों लोग export credit insurance में जाते हैं? It may be possible कि मान लीजिए कि एक exporter जो कि किसी एक A country का है, उसने B country में कुछ भी अपना product और service बेचा, उसके बाद उस country में कुछ war की situation आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे लड़ाई छिड़ गई दोनों कंट्रीज़ में, और वहाँ के कंट्री ने या तो उसके प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया या फिर बोला कि हम वहाँ पैसे नहीं देंगे, इस तरीके की सिचुएशन कुछ भी अराइज़ हो सकती है, तो उसके कारण, उस सिचुएशन के कारण नेचुरली एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ECGC एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे ऐसा कोई भी रिस्क अराइज हो तो उससे पूरी तरीके से एक्सपोर्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज़ कॉप, मतलब तख्ता पलट। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक कंट्री का एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, तो उस समय जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड अलग पॉलिसीज होती हैं, वहीं अगर तख्ता पलट हो जाता है, मतलब किसी कोई दूसरा दूसरी पार्टी अगर शासन में आ जाती है, तो दूसरी पार्टी के अपने अलग ओपिनियन होते हैं, वो अपने अलग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड डिसीजंस या पॉलिसीज़ को बनाती है, तो उसके कारण मे बी पॉसिबल कि कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के बाद उसको फ़ंड मिलने में या उसको जो भी वहाँ से पैसे मिलने हैं उसमें डिले हो, या पैसे ना मिलें, या उनकी प्रोडक्ट को ही एक्सेप्ट ना करे वो कंट्री, तो इस सिचुएशन में भी ECGC सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी। कई बार ऐसा होता है कि जो कि जो भी कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, वो उस कंट्री की अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को भी उस कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर को ही फेस करना होता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम के कारण एक्सपोर्टर डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उसमें भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, रिस्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, चूँकि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड हो रहा है, तो नेचुरली बहुत सारे रिस्क
एसोसिएटेड होते हैं हर उस ट्रांजेक्शन्स, हर उस लेन देन से जो कि कंट्री बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे तो, जैसे ऑपरेशनल रिस्क, बायर रिस्क, सेलर रिस्क, मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क एक्सेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे रिस्क हैं। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड विथ रिस्क, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सारे रिस्क को मैंने उसमें वन बाई वन बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस किया है। तो ये सारे रिस्क, चूँकि अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो नेचुरली ये सारे चीज़ें, ये सारे रिस्क बायर्स के साथ एज वेल एज सेलर्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जो ECGC ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि एक्सपोर्टर को फुल्ली इन रिस्क से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम ECGC के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ECGC इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट। अगर पूरे नेशनल एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बियॉन्ड द नेशन की बात करें तो ECGC एक फिफ्थ लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर है। टॉप से अगर देखें तो फिफ्थ नंबर पे ECGC आता है जो कि नेशनल एक्सपोर्ट को कवर करता है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ रुपीज़ 1,000 crore एंड ऑथोराइज कैपिटल इज़ रुपीज़ 5,000 crore। मतलब ECGC ने जो ऑथराइज्ड कैपिटल अपनी करवाई है वो 5,000 crore की है, बट द प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ ECGC इज़ 1,000 crore एट प्रेजेंट। फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ऑफ ECGC इन लंदन ऑन सितंबर 17, 2013। ECGC ने जो अपना फर्स्ट ऑफिस स्टार्ट किया था लंदन में वो सितंबर 17, 2013 में था। ECGC हैज़ अचीव्ड अ मैजिकल माइलस्टोन ऑफ रुपीज़ 1,000 crore ऑफ प्रीमियम इनकम। मतलब ECGC को जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी से जो प्रीमियम इनकम होती है, मतलब जो एक्सपोर्टर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के बिहाफ में जो प्रीमियम देते हैं, जो भी पॉलिसी के बिहाफ में प्रीमियम देते हैं, जैसे हम अपनी जो भी पॉलिसीज लेके रखे होते हैं फॉर जनरल इंश्योरेंस और फ्रॉम LIC, तो उसके लिए हम हर ईयर में जो भी प्रीमियम देते हैं, इन द सेम वे एक्सपोर्टर्स भी ECGC को प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रीमियम के ही सिर्फ इनकम की हम बात करें तो ECGC ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज़ 1,000 crore। एन ISO ऑर्गेनाइजेशन सीलिंग इन क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज विच हैज़ 5 रीजनल ऑफिसेज एंड 51 ब्रांचेस। मतलब ECGC बहुत ही स्प्रेड और बहुत ही वेल प्लान्ड है इन द वे जिससे कि थ्रू बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्टर्स को प्रमोट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से एक्सपोर्टर्स एज वेल एज बैंक दोनों को ही सपोर्ट किया जा सकता है और कंट्री के डेवलपमेंट में विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भी मिल सकता है। सो ECGC डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एज वेल एज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दैट्स ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। If you have any query, any doubt related with this topic, please write in comment. Till then, take care, goodbye, have a nice day. Thanks for watching.